डी ए स्टूडेंट एज वी हैव डिस्कस डेट समाइम द सीरीज इज़ स्टेशनरी एंड समाइम इट्स नॉन not stationary स्टेशनरी को हम सेकेंड ऑर्डर स्टेशनरी भी कह सकते हैं uh, इसी तरह जब हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि किस टाइप की सीरीज होगी जिसको हम कहेंगे स्टेशनरी है और किस टाइप की सीरीज होगी जिसको हम कहेंगे वो नॉन स्टेशनरी है uh, इसके लिए हम uh, जो सिंपल टर्म्स में ये कह सकते हैं कि इफ एनी सीरीज हैज़ द मीन देन वेरिएंस एंड द ऑटो कोवेरियंस ये कांस्टेंट होंगे अगर ये तीनों कांस्टेंट होंगे ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड तो उसको हम कहेंगे वो आपकी सीरीज स्टेशनरी है सेकेंडली उसमें मीन रिवर्शन होना चाहिए मीन रिवर्स करे टुअर्ड द इक्ुलिवडियम एंड थर्ड थिंग कि उनकी जो वेरियंट्स है जो वेरिएशन है वो भी आपकी वो कांस्टेंट होनी चाहिए और अगर एक सीरीज में ये करेक्टरिस्टिक्स पूरी होती हैं तो उनको हम कहते हैं कि ये सीरीज स्टेशनरी है और सीरीज स्टेशनरी होने के लिए जनरली हम इस टाइप की उसकी शेप होगी कि इफ़ यू हैव द डेटा ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसका मीन जो है वो कांस्टेंट है आप कोई भी दो टाइम पीरियड में उसका मीन फाइंड करते हैं वो कांस्टेंट होता है दो टाइम पीरियड में उसका वेरिएंस लेते हैं तो वो भी कांस्टेंट होता है उसका ऑटो कोवेरियंस भी लेते हैं तो वो भी कांस्टेंट होता है अगर ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स पूरी होती हैं इसमें आप लोग देख रहे हैं तो वेरिएशन है आलमोस्ट uh, वो कांस्टेंट है मीन आप इसको देखें ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो इस टाइप की जो सीरीज होती है इसको हम कहते हैं स्टेशनरी लेकिन अगर सीरीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका मीन इंक्रीज होना शुरू हो गया उसमें पॉजिटिव ट्रेंड है उसका वेरिएंस जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है या एकदम डिक्रीज़ होता जा रहा है तो उन उस टाइप की सीरीज़ को हम कहेंगे ये नॉन स्टेशनरी सीरीज़ है